एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण रिवीजन सीरीज में। मैं शुभि त्रिपाठी आपको करवाऊंगी डेली, वीकली और मंथली करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस और उनसे जुड़े सभी टॉपिक्स को भी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल स्टडीज विद एग्जाम ओरिजिनल्स। हे एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण रिवीजन सीरीज। आई एम शुभि त्रिपाठी और आज हम कवर करेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स का फोर्थ लेक्चर। ओके, चलिए ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट। देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज़ बीन सेट अप, क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में कंट्री का पहला, हमारे इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम सेटअप किया है। और इसका क्या नाम है, किस नाम से इसको जाना जाता है, अन्नपूर्ति, अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। और इसको अनाउंस करने वाले कौन हैं, इसको सेटअप करने वाले कौन हैं, यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चतुर्ला जी। ठीक है, इन्होंने इसको सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया है। और इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन विच वर्क्स जस्ट लाइक एन बैंक एटीएम। और ये एकदम ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे हमारे बैंक एटीएम काम करते हैं, सिमिलरली ये भी वैसे ही काम करती है। ये भी मल्टी ग्रेन है, यहाँ पर अलग अलग अनाज इसमें डाले गए हैं, आपको जिस भी अनाज की ज़रूरत है यहाँ के लोग वो निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दिस मशीन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड अंडर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, उस इस प्रोग्राम के अंडर इसको इंस्टॉल किया गया है। और उसका पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ विच स्टेट लद्दाख साइन एन MOU एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मेक द यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनिक बाई 2025। किस राज्य के साथ लद्दाख ने 2025 तक अपने केंद्र शासित प्रदेश को जैविक बनाने, ऑर्गेनिक बनाने के लिए एक समझौता साइन किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, किस स्टेट के साथ इसने पार्टनरशिप की है वहाँ की लैंड को पूरा ऑर्गेनिक बनाने की, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। किसके साथ की है पार्टनरशिप, क्या होगा, द राइट आंसर इज सिक्किम। सी, सिक्किम के साथ लद्दाख ने MOU साइन किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, यहाँ का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना, यहाँ की सारी लैंड को, जितनी भी यहाँ की लैंड है जहाँ पर चीज़ों को उगाया जाता है, उस पूरी लैंड को ऑर्गेनिक बनाने का है ना, उस पूरी लैंड को ऑर्गेनिक करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इन्होंने इसको तीन फेसेस में डिवाइड किया है, यहाँ की लैंड को ऑर्गेनिक करने का, यानी बिना किसी पेस्टिसाइड्स के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के, खाद के ज़रिए यहाँ पर चीज़ों को उगाया जाएगा, ये पूरी ऑर्गेनिक तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको तीन फेसेस में डिवाइड किया है। पहला फेस क्या है, यहाँ पर 85 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है फर्स्ट फेज में, जहाँ पर 85 विलेजेस की 5000 हेक्टेयर जो ज़मीन है, जो लैंड है, इसको ऑर्गेनिक बनाया जाएगा। सेकेंड फेज में 82 विलेजेस को किया गया है, जिसकी 10000 हेक्टेयर लैंड है, 10000 हेक्टेयर ज़मीन है, उसको ऑर्गेनिक बनाया जाएगा। और तीसरे फेज में जो बची हुई लैंड है, सिलेक्टेड 79 विलेजेस आते हैं, है ना, बची हुई जितनी भी लैंड है उसको किया जाएगा, उसको ऑर्गेनिक किया जाएगा। ठीक है, और हमारी कंट्री में सिक्किम ही एक ऐसा पहला स्टेट है जहाँ की पूरी लैंड 100% ऑर्गेनिक है, 100% 100% जैविक है। यहाँ पर किसी भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता है, चीज़ों को उगाने में किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, एकदम ऑर्गेनिक वे में इसको उगाया जाता है। जितनी जो खाद होती हैं, खाद के ज़रिए यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन बने हैं अब राज्यसभा के लीडर, बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, बताइए। राइट आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल राज्यसभा के
नए लीडर बने हैं। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थावरचंद गहलोत थे। इससे पहले थावरचंद गहलोत थे जो कि अब क्या हैं, जो कि अब कर्नाटका के गवर्नर हैं। और अब कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल बन गए हैं। और पीयूष गोयल के पास किसकी मिनिस्ट्री है? पीयूष गोयल हमारे इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर भी है। और इनके पास किसकी मिनिस्ट्री है? मिनिस्टर, ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं, है ना। इनके पास टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है, इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की भी इनके पास मिनिस्ट्री है। ये केंद्रीय मंत्री भी हैं, ठीक है। और द लीडर ऑफ द हाउस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट मीटिंग्स एंड बिजनेस इन द हाउस। जो राज्यसभा के जो लीडर होते हैं उनका क्या काम होता है? यहाँ की जितनी भी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं या कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी ऑफिशियल मीटिंग होती है, उसको ऑर्गेनाइज करवाने का इसका काम होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि लोकसभा के जो लीडर हैं वो कौन हैं। ये तो राज्यसभा के लीडर हैं, पर लोकसभा के लीडर कौन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड एआई बेस्ड ग्रीवियंसेस एनालिसिस ऐप सीपी ग्राम्स। एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप सीपी ग्राम्स किसने लॉन्च किया है? जो सीपी ग्राम्स एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च की है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज क्या होगा? राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। क्या फुल फॉर्म है इसका? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंसेस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंसेस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम सीपी ग्राम्स। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक पोर्टल है ऑनलाइन, जो कि 24/7 जो कि 2400 घंटे खुला रहेगा लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए। लोगों की जितनी भी जो शिकायत रहेंगी उनको दर्ज करने के लिए ये 2400 घंटे उनके लिए खुला रहेगा। एंड टू द पब्लिक अथॉरिटीज ग्रीवियंसेस ग्रीवियंसेस टू द पब्लिक अथॉरिटीज ऑन एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इट इज़ अ सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। ये एक सिंगल पोर्टल है जो कि हर मिनिस्ट्री और हर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। यानी जिस भी रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड आप शिकायत करेंगे ये डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी बड़ी प्रोसेस नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट उनके पास ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वहाँ पे पहुँच जाएगी। द डिफेंस मिनिस्टर ब्रीफ्ड दैट दिस एआई पावर्ड एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली हैंडल, ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगी, एनालाइज कर लेगी कंप्लेंट को, ये पूरा उसको एनालाइज कर लेगी, समझ लेगी पूरी, उसकी एक रिपोर्ट बना के और उस मिनिस्ट्री उस डिपार्टमेंट तक ये पहुंचा देगी। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन भी बहुत कम है, इट वुड रिड्यूस द ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी जैसे आप शिकायत करने के लिए जाते हैं तो आपको 10 जगह भटकना पड़ता है कि पहले आप ये प्रोसेस करो, यहाँ रजिस्टर करो, इसकी फोटोकॉपी जेरोक्स सबमिट करो, ठीक। तो ये नहीं होगा, ये डायरेक्ट आप इसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या आपका समय भी बचाएगी, सबसे बड़ी बात, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। द प्लेटफॉर्म किसान सारथी वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड विच मिनिस्टर, किस केंद्रीय मंत्री के साथ? नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान सारथी जो मंच है इसको लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताइए। द राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ये तीन मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। रेल मंत्री, संचार मंत्रालय है इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है, ठीक। ये इनके साथ मिलकर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान सारथी लॉन्च किया है, ठीक है। क्या है ये किसान सारथी? दिस इनिशिएटिव ऑफ किसान सारथी एम्पावर्स फार्मर्स विथ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस टू रीच फार्मर्स इन रिमोट एरियाज। जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो दूर दराज के एरियाज होते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजीज का पहुँचना या किसी भी डिजिटलाइज्ड चीज़ों का पहुँचना, जैसे ये प्लेटफॉर्म हो गया,
है ना, ऐसी चीज़ों का पहुंचना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, उनको समझाना मुश्किल होता है कि देखिए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ आप फार्मिंग में ऐसे कर सकते हैं और ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इससे आपका समय भी बचेगा और इससे आपकी फार्मिंग भी और अच्छी होगी, आपकी इनकम भी डबल होगी। इन्हीं सारी चीज़ों को समझाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया है, इसको बनाया गया है, जो कि यहाँ तक के जितने भी किसान होते हैं, दूरदराज के जितने भी किसान होंगे, उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन्स पहुंचाई जाएगी इसके माध्यम से। राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, सही जानकारी सही समय पे, है ना, इसको पहुंचाई जाएगी। और ये किसी भी लैंग्वेजेस में, जो लैंग्वेजेस किसानों की रहेगी उसी लैंग्वेजेस में ये उनको समझाएगा। फार्मर्स कैन ऑल्सो लर्न न्यू फार्मिंग मैथड्स यूजिंग इट, नई नए नए तरीके जो अभी तक ट्रेडिशनल वे में कुछ फार्मर्स अभी भी फार्मिंग करते हैं, पर इसके माध्यम से नए तरीके भी सीखेंगे। रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICAR है, उसने 93rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है ऑन द ओकेजन ऑफ द किसान सारथी प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च। जब ये लॉन्च हुआ था, तो ये कब लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे 93rd फाउंडेशन डे था, किसका, ICAR का। ओके चलिए ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट 5-स्टार होटल इज बिल्ट ओवर विच रेलवे स्टेशन, भारत का पहला 5-सितारा 5-स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन पर बना है, बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज गांधीनगर, अहमदाबाद के गांधीनगर में इसके रेलवे स्टेशन पर 5-स्टार होटल बना है। और इसको किसने इनॉग्रेट करेंगे, मतलब अभी तो ये कंस्ट्रक्शन में है, कौन इसको इनॉग्रेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ये एक 5-स्टार है और ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बनने जा रहा है, ठीक, इसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। द स्टेशन विल प्रोवाइड एन एयरपोर्ट लाइक एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स विद फैसिलिटीज सच एज लग्जरी होटल्स, जितने भी लग्जरी होटल्स की जैसी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, ये एकदम लग्जरीज पैसेंजर्स को फील करवाएगा। ये पूरा एयरपोर्ट जैसा है, आप लोग, आप में से शायद कुछ लोग गए होंगे एयरपोर्ट, जिन्होंने देखा होगा पूरा एकदम लाविश इंटीरियर रहता है, पूरा लग्जरी रहता है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वैसे ही पूरी यहाँ पर दी जाएगी, एक 5-स्टार होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा। विच विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेगा, यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको क्विक वेरिफिकेशन करने के लिए कौन सा स्टेट होगा जो इसको इशू करेगा, बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेगा। और अभी तक कहाँ यूज़ उसका हो चुका है, सिंगापुर में हो चुका है, माल्टा में हो चुका है और बहरीन में हो चुका है, सिर्फ यही तीन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से यूज़ किया है। और अब हमारी कंट्री का महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट होगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेगा। ईच स्टूडेंट विल रिसीव अ लगेज डॉक जिप डिजिटल फाइल जो कि कंटेन करेगी, जो कि स्टोर करेगी उनके ओरिजिनल PDFs को, उनकी सारे इन्फॉर्मेशन्स को, जिसमें उनका सर्टिफिकेट्स होंगे, उनके डिप्लोमास होंगे, ठीक है। आपको कहीं भी फाइल ले जाने की अब ज़रूरत नहीं होगी, जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं तो वहाँ पर आप फाइल लेकर जाते हैं, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, आपके एक फिंगरप्रिंट से, आपकी एक सिक्योरिटी से इनकी जो आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारे वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है एक फिंगरप्रिंट से, वैसे ही ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि जिससे बिटकॉइन बना है, जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ही कारण, उन्हीं के माध्यम से चलती हैं। क्या होता है ब्लॉकचेन, हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं या जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, भले वो बैंक से रिलेटेड हों, ट्रांजैक्शंस ऑफिस से रिलेटेड हों, ठीक, तो वो ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में तो रिकॉर्ड होते ही हैं, है ना, किसी ना किसी डेटाबेस में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल नहीं मानते हैं, हम उस डेटाबेस को रिलायबल नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि पहला रीज़न है, क्योंकि हमारे पास उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती है,
है ना, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सेकंड, उस डेटाबेस का एडमिन होता है, उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी उस डेटा को चेंज कर सकता है, ठीक। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम नहीं वो कर सकते हैं, है ना, हम इस पे ट्रस्ट पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए एक नया सिस्टम लाया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन का एक नया सिस्टम लाया गया है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं होती है, ये सबके साथ शेयर होती है। किसी एक इंसान के पास इसकी अथॉरिटी नहीं होगी, सबके साथ शेयर होगी, और उसको चेंज करना या उसको उस डेटाबेस को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा, है ना। इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता आसानी से। तो ऐसे ही सिस्टम पर सब भरोसा कर पाएंगे, और इसी चीज़ों को, इन्हीं सारे एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम बनाया गया है ब्लॉकचेन का, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब ब्लॉकचेन कैसे कहा जाता है, जैसे पहले के रिकॉर्ड्स या पहले के ट्रांजेक्शन्स को लेजर या बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता था, है ना, आप लोग ने सुना होगा बही खाता लेजर में जैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता था, तो ये आज के टाइम का लेजर है, ये आज के टाइम का बही खाता है, और यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक रिकॉर्ड को, हर एक ब्लॉक में स्टोर किया जाता है, ठीक। और ये ब्लॉक चेन है, यानी ब्लॉक्स की चेन है, हर एक ब्लॉक में हर एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी, यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक। और हर एक ब्लॉक एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक। अब जैसे फर्स्ट ब्लॉक है, उसके अंदर आपकी एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी, उसके साथ उसको ओपन करने के लिए एक सिक्योरिटी कोड लगेगा, एक हैश लगेगा, जो कि सभी ब्लॉक से यूनिक होगा, और वो आपके फिंगरप्रिंट से होगा, खुलेगा, ठीक। फर्स्ट वाला ब्लॉक नेक्स्ट वाले ब्लॉक में सेव होगा, यानी फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो कोड है वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में सेव होगा, और उसका ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक का जो हैश है, उस ब्लॉक का जो यूनिक कोड होगा, वो अगले वाले ब्लॉक में सेव होगा। तो जो अगले वाला जो ब्लॉक होगा उसमें उसका भी सेव है, और प्रीवियस ब्लॉक का भी कोड सेव होगा। तो ऐसे ही सारे ब्लॉक्स की एक चेन बनती जाएगी, सारे ब्लॉक्स की एक मतलब सीरीज बनती जाएगी, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। वैसे ही यहाँ पर अलग अलग सर्टिफिकेट्स, अलग अलग डिप्लोमास, सारी चीज़ों को स्टोर किया जाएगा, और एक फिंगरप्रिंट से, एक सिक्योरिटी कोड से वो सारे ब्लॉक्स ओपन होंगे, और उससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ यही मतलब रिलेटेबल रहेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक। चलिए, यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्कीम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द बेगर्स, भिखारियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है, कौन सी योजना तैयार की गई है बताइए, कौन सी स्कीम है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज स्माइल। स्माइल जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा इनको, इस स्कीम को लागू किया गया है, किसके लिए, मार्जिनलाइज्ड पीपल्स के लिए, जो भी सीमांत व्यक्ति होते हैं या जो ट्रांसजेंडर हैं, उन लोगों के लिए इसको लागू किया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट्स फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। जो सीमांत व्यक्ति होते हैं, यानी मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बेरली अपनी मिनिमम नीड्स तक को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो मुश्किल मतलब मुश्किल से अपनी ज़रूरतों तक को पूरा नहीं कर पाते, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, है ना, उन जैसे लोगों के लिए, जिन लोगों को दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, दूसरों से मांग के खाना पड़ता है, लेना पड़ता है, उन जैसे लोगों के लिए ये स्कीम को लाया गया है, उनको रोज़गार देने के लिए, उनको आजीविका देने के लिए, उनको उनका विकास करने के लिए, ठीक है, इसमें लाया गया है। और इसमें उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी, इन एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट्स ये करवाया जाएगा, है ना, मतलब उनको एजुकेशन सेक्टर में उनकी उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको एक वो दी जाएगी कि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, कि आपको एटलीस्ट मांग के ना खाना पड़े, ठीक। इट इज़ अ न्यू स्कीम आफ्टर द मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर। बेगर्स और ट्रांसजेंडर की अलग अलग दो स्कीमों को मर्ज करके ये स्कीम बनाई गई है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एन अप्रॉक्सीमेट 60,000 पुअरेस्ट पर्सन, 60,000 जितने भी गरीब लोग हैं, वुड बी बेनिफिट अंडर दिस स्कीम फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी।
डिग्निटी के साथ जीने के लिए उनके उनको ये स्कीम के ज़रिए सारी सुविधाएं दिलाई जाएंगी। कितने लोगों को? 60,000 लोगों को। ठीक, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हम टोटल नंबर ऑफ बैगर्स इन इंडिया कितने हैं? टोटल 4 लाख से भी ज़्यादा हैं, 4,13,670 बैगर्स हैं हमारे इंडिया में 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए। अब तो 2011 तो पूरा एक डिकेड कंप्लीट हो गया है, अब 10 साल में तो और बढ़ गई होंगी, तो इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये लाई गई है। ठीक, अमंग द यूनियन टेरिटरीज न्यू दिल्ली हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैगर्स, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये लोग देखे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट विच सिटी, सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। जैसे IIT होते हैं, IIM होते हैं, वैसे ही ये IIH होगा, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। कहाँ होगा ये? नोएडा में। एक सेकेंड, राइट आंसर इज नोएडा। ठीक, नोएडा में कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में IIH इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को सेटअप किया जाएगा, और इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? हमारे टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इसका अनाउंसमेंट किया है कि नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को सेटअप किया जाएगा। ओके, दिस विल इम्पैक्ट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड टू रिच इंडियन हेरिटेज एंड इट्स कंजर्वेशन। जो भारतीय विरासतें हैं, जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि हेरिटेजेस हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर और रिसर्च करने के लिए और स्टडी करने के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, कि उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अब फ्यूचर में इनको इनको बचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया है, एंड दिस वुड ऑफर पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट कोर्स। ये पोस्ट ग्रेजुएशन की भी फैसिलिटी देगा, और PhD लेवल में भी इसमें एजुकेशन कर सकते हैं, डॉक्टरेट कोर्सेज कर सकते हैं इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी, म्यूजियम की जो स्टडीज़ होती हैं इस पे भी यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी, एंड आर्कियोलॉजी, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं यहाँ से जब निकलेंगे, है ना, तो उनकी एक अलग ही रेपुटेशन होगी, क्योंकि वो IIH से निकले होंगे। ये एक बेस्ट इंस्टीट्यूट होने वाला है हेरिटेज को लेके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय होम विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बी बिल्ट, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज, सही उत्तर क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। ठीक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलके इसको बिल्ड किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बिल्ड किया जाएगा। इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट इट्स मथुरा रिफाइनरी। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन प्लांट तो ठीक है, ठीक है, अभी तक के थोड़ा सा समझते हैं इसको डिटेल में कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कैसे होता है, किसे कहा जाता है। ठीक, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें क्या होता है, H2O यानी वाटर में से हाइड्रोजन को निकाला जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसको निकालने के लिए, इसको इस पूरी प्रोसेस के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं पॉल्यूशंस भी होगा। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स की मदद से इस पूरी प्रोसेस को किया जाता है, हाइड्रोजन को निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ होगा, जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, तो यहाँ पर इनका यूज़ किया जाएगा हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये किसकी मदद से किया जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मदद से किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर जितनी भी जो रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी का बेसिक मतलब ही यही है कि जितना भी क्रूड ऑयल आता है, जितना भी कच्चा तेल आता है, उन सबको सेपरेट करके उन सबको फिल्टर किया जाता है, इसके लिए भी
फॉसिल फ्यूल्स लगते हैं, पर इसके लिए भी अब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ होगा और ये हमारी कंट्री में पहला होगा, है ना, पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। द मूव एम्स टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर केटरिंग टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर बोथ ऑयल एंड क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, दोनों को ही क्लीन फॉर्म में प्रोड्यूस करने का इनका मेन एम है। ठीक, अब IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब बनाया गया था, कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो 30 जून 1959 को, सॉरी थोड़ा सा हिंदी प्रॉब्लम है भाई, ठीक, 62 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी प्रीवियस क्वेश्चनरीज के सॉल्यूशंस, तो एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। क्या पूछा था मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे आपसे। पहला कौन सा था, विच अमेरिकन कंट्री हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्जुगेट कोरोना वायरस वैक्सीन, है ना, किसने सफलतापूर्वक संयुग्म कोरोना वायरस वैक्सीन को विकसित किया है, कौन सी कंट्री है, क्यूबा, आंसर इज क्यूबा। ठीक, नेक्स्ट कौन सा था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, हैज़ अनवील्ड अ स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, कौन सी कंट्री है, जॉर्जिया, जॉर्जिया के टिबिलिसी पार्क में इन्होंने महात्मा गांधी का स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया है, इसका अनावरण किया है। ठीक, थर्ड वन इज विच कंट्री विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप, कौन सा देश 2026 विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा, तो क्या होगा आंसर, हमारा इंडिया ही करेगा, है ना, इंडिया में 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप होगी और ये 30th एडिशन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चनरीज हैं, आपके 3 क्वेश्चंस फिर से हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है और इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर्स को रिवील करूँगी। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज, यहाँ की जो कॉमन हाई कोर्ट है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है वो आपको बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, डेप्यूटी लीडर राज्यसभा के जो डेप्यूटी लीडर हैं अब वो कौन नियुक्त किए गए हैं, कौन अपॉइंट किए गए हैं ये आपको बताना है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, किसने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी इलेक्ट्रिक वाहन नीति किस राज्य ने शुरू की है इसका आंसर आपको बताना है। ओके, ठीक है, और आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही ख़त्म करूंगी। नेक्स्ट हमारे मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का फर्स्ट लेक्चर होगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि 4th लेक्चर के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी मैं लाऊं, वो भी जुलाई से ही रहेंगे, तो कल इसका फर्स्ट लेक्चर होगा, तो मिस मत करिएगा प्लीज़, है ना, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।